दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A92 के बारे में और ये डिवाइस आपको इंडोनेशिया के अंदर एक ई कॉमर्स साइट पर लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि ये डिवाइस आपको इंडोनेशिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च किया जाएगा। वहीं ये डिवाइस आपको कुछ दिनों बाद ही इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा और साथ ही ये डिवाइस आपको काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर ऑफर करेगा और इसके प्राइसिंग भी आपको क्या हो सकता है और ये कब तक लॉन्च होगा और क्या कुछ हमें खास देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो करीब 85% तक कम देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको बेजल्स काफ़ी कम दिया जाएगा। और गाइस बात करें इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको ग्लास पैनल दिया जाएगा जो कि ग्लोसी 3D डिज़ाइन के साथ आएगा और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ कुंडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रियर साइड में एल शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा और इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा की क्वालिटी आपको ओप्पो का वैसे भी काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी दिया जाएगा। इसके बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी 5000 mAh का एक बिग बैटरी का सपोर्ट दिया जाता है, साथ ही आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा और आपको चार्जिंग के लिए USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग गेमिंग के लिए क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये 11 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, साथ ही इसका क्लॉक स्पीड 2.0 GHz देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए एड्रीनो का 610 का GPU भी मिल जाएगा। तो इस चिपसेट के साथ आपको परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप लेवल का देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मीडियम गेमिंग यूजेज में किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेगा। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि ColorOS 7 पर रन करेगा। तो गाइस इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको 2 RAM वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा जो कि 8GB + 128GB और दूसरा वेरिएंट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो गाइस लास्ट में बात कर लें इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में, तो इस डिवाइस का प्राइस आपको 18 से 20 हज़ार के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है। वहीं लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा और कुछ दिनों बाद यानी कि आपको करीब 1 से 2 महीने के अंदर इंडिया के अंदर भी ये डिवाइस लॉन्च किया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसर कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये डिवाइस आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग इसका थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।